इसके अलावा जहां तक लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह भी निर्णय लिया जा सकता है कि जब तक इस डेटा को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर पब्लिकली प्रकाशित नहीं किया जाता तब तक लोकसभा के चुनाव नहीं किए जाएंगे। लेकिन हाँ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऐसा जरूर कर सकता है कि जो समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मांगा गया है उतना समय ना देकर कुछ दिनों का समय सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना की कार्रवाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ कर सकता है। इसके लिए अलग से किसी याचिका को किसी संगठन अथवा व्यक्ति अथवा वकील के द्वारा डालने की आवश्यकता नहीं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्ट्रल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर देने के बाद, उसे रद्द कर देने के बाद, अब यह मामला और भी ज्यादा पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब इलेक्ट्रल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द किया था, उसके साथ में ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, जो कि एकमात्र बैंक था जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में डील कर सकता था, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के डेटा को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निश्चित समय सीमा में चुनाव आयोग को सौंपने के लिए तथा चुनाव आयोग को एक निश्चित सीमा के अंदर उसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने का आदेश दिया था। लेकिन इसके बाद मामला थोड़ा सा गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उस समय सीमा में डेटा को चुनाव आयोग को ना भेजकर एक आवेदन सुप्रीम कोर्ट में डालता है और उस आवेदन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगाता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को थोड़ा समय चाहिए कि वो डेटा का संकलन कर सके और उस डेटा को, जो डेटा उपलब्ध है, उसको डिकोड करके एक व्यवस्थित तरीके से चुनाव आयोग को सौंप सके, और जिसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 30 जून तक का समय मांगा है, जो कि काफ़ी अधिक है। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इस आवेदन के तुरंत बाद ही एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म संगठन सामने आता है और वो एक याचिका लगाता है सुप्रीम कोर्ट की अवमानना को लेकर, जहां पर यह तर्क दिया जाता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने निश्चित समय अवधि में डेटा को चुनाव आयोग को न भेजकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया है और सुप्रीम कोर्ट का अवमानना किया है। इसके साथ ही तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समय सीमा की मांग कर रहा है वो दुर्भावनापूर्ण है, यानी जानबूझकर तथ्य को छुपाने के लिए, उस डेटा को देने में विलम्ब करने के लिए, तथा जो कि हाल ही में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं उसका लाभ किसी पार्टी को विशेष तौर पर देने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जानबूझकर ये डेटा देने में देरी कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए समय सीमा की मांग कर रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों याचिकाओं पर विचार करना है, लेकिन एडीए ने यह तर्क भी दिया है कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आवेदन है, जिस दिन उस पर विचार किया जाए उसी दिन ये जो अवमानना का केस एडीए द्वारा दाखिल किया गया है उसको भी उसी दिन सुना जाए, ताकि बहस में दोनों तथ्यों पर विचार किया जा सके कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समय मांग रहा है तो किस आधार पर मांग रहा है, और एडीए जो तर्क दे रहा है, जो अवमानना का याचिका दाखिल किया हुआ है, वो किस आधार पर सही है और किस आधार पर लोकतंत्र के हिसाब से लोकसभा के चुनाव से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अपना जो डेटा है उसको चुनाव आयोग को सौंपना चाहिए और चुनाव आयोग को उसे अपने वेबसाइट पर पब्लिकली प्रकाशित किया जाना चाहिए। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस विषय में क्या निर्णय लेता है। इसकी डिटेल हम आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर अपडेट देते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर यह देखना होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो तर्क दे रहा है वो कितना सही है। देखिए, ये एक बैंकिंग डेटा है और बैंक को इस बात का पता रहता है कि उसके पास क्या ट्रांजेक्शन हो रहे हैं और क्या ट्रांजेक्शन की डिटेल उनके पास में है। यानी जो बैंकिंग प्रणाली है वो एक प्रकार की ऐसी बेहतरीन सॉफ्टवेयर के माध्यम से मैनेज की जाती है, जिसमें हर एक व्यक्ति के खाते की प्रॉपर डिटेल होती है। कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन उसका रिकन्सिलेशन भी बहुत ही आसानी से कर लिया जाता है। यानी कुल मिलाकर जितना समय SBI द्वारा मांगा जा रहा है वो समय सीमा बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा उसको समय देगा। लेकिन हाँ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऐसा जरूर कर सकता है कि जो समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मांगा गया है उतना समय ना देकर कुछ दिनों का समय सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दिया जा सकता है। लेकिन इसके साथ में ही जो ADA ने अवमानना याचिका दाखिल की है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट विचार करते हुए ये निर्णय ले सकता है कि यदि जो अतिरिक्त समय सीमा दी गई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, उसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यदि डेटा को प्रकाशित नहीं किया, चुनाव आयोग को नहीं भेजा,
तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना की कार्रवाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ कर सकता है। यानी इसके लिए अलग से किसी याचिका को किसी संगठन अथवा व्यक्ति अथवा वकील के द्वारा डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट खुद से ही इसको संज्ञान में लेकर इस पर कार्रवाई कर सकता है। इसके अलावा जहां तक लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये भी निर्णय लिया जा सकता है कि जब तक इस डेटा को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर पब्लिकली प्रकाशित नहीं किया जाता तब तक लोकसभा के चुनाव नहीं किए जाएंगे या फिर उसको थोड़ा देरी करके उसको चुनाव को किया जाएगा। ऐसे में जहां पर यह बात उठाई जा रही है कि लोकतंत्र के मद्देनज़र ये सब चीज़ें पारदर्शी होनी चाहिए, पब्लिक को ये पता होना चाहिए कि किस व्यक्ति से कितना पैसा किस राजनीतिक संगठन को गया है, जिसके आधार पर वो ये निर्णय ले सकें कि उन्हें किसे वोट देना चाहिए। लेकिन जहां तक देखा जाए तो पब्लिक आज जागरूक है, उसे पता है कि राजनीतिक पार्टीज को पैसा कहीं ना कहीं से तो चाहिए, तो ये जो पैसा है पारदर्शी हो उसमें कोई दो राय नहीं है, पारदर्शी होना चाहिए। लेकिन पारदर्शी होने के साथ में ही बहुत ज़्यादा फर्क इसको लेकर नहीं पड़ने वाला है कि राजनीतिक पार्टियों पर, क्योंकि इसमें सभी राजनीतिक पार्टियां शामिल हैं, सभी को इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के माध्यम से पैसा गया है। बस इतना है कि किसी को कम पैसा गया है, किसी को अधिक पैसा गया है। जो पार्टी रूलिंग पार्टी है उसको अधिक पैसा गया है, जाहिर सी बात है कोई भी रूलिंग पार्टी होती तो उसको ज़्यादा पैसा जाता, क्योंकि वो पावर में रहती है और ज़्यादातर कार्य भी वही कर सकती है। तो आपको इस विषय में क्या लगता है, आपकी क्या राय है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को अन्य लोगों तक भी जरूर शेयर करें और कानून से संबंधित जानकारी इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से लगातार आती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक इसको शेयर नहीं किया तो शेयर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।